बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन चिकन पिज़्ज़ा, जिसके लिए हम लोगों ने एक पाव चिकन लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून हम लोगों ने ऑयल के लिए हैं। चिकन के हम लोग छोटे छोटे पीस करेंगे, ना हम इसका कीमा बनाएंगे ना ही इसके रेशे करेंगे। इस साइज में हम इसके पीस कर लेंगे। देखिए, चिकन के हम लोगों ने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल देंगे, ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। लहसुन का पाउडर वो डाल देंगे, फिर थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। हम चिकन डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे उस वक्त तक जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए चिकन की। नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, मसालों के साथ ही हम अच्छे से इसको भून लेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, हम इसमें दही डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको उतार लेंगे। लोगों ने एक अदद बैंगन लिए, जिसके हम पीस करेंगे। अब इस साइज में हम लोगों ने पीस कर लेने हैं। पीस हमने कर लिए हैं, अब हम इसके ऊपर लगाने वाली सॉस तैयार करेंगे। 5 टेबलस्पून हम लोग केचप लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसको अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इस तरह हम एक एक करके उसके साइड चेंज कर लेंगे। हमने जो उनसे सॉस तैयार की थी
हम इसके ऊपर लगाएंगे। हम पर चिकन लगाएंगे। हम शिमला मिर्च डालेंगे। हम प्याज डालेंगे। हम चीज डाल देंगे। हम इसके ऊपर ऑरेगानो डालेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बैंगन चिकन पिज्जा हमारा रेडी हो गया है। हम इसको उतार लेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।